अमेजोन जंगल, और उसमें 7 ऐसे जीव पनपते हैं जो अमेजोन जंगल को काफी ज्यादा खतरनाक बनाते हैं। हमारे धरती का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट मतलब वर्षावन कई रहस्यमय जगहों से घिरा हुआ है। 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ यह जंगल 9 देशों के बॉर्डर लाइन से गुजरता है। यह जंगल इतना ज्यादा बड़ा है कि इसमें 32 यूनाइटेड स्टेट शामिल हो सकते हैं। यहाँ का छोटा सा भी छोटा जानवर इतना जहरीला और खतरनाक होता है कि अपने से भी बड़े जानवर को आसानी से मार सकता है। यूं कहे तो यहाँ पे जाना मतलब मौत को चुनौती देने जैसा है। इस जंगल को हमारे धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे धरती को 20% ऑक्सीजन इसी जंगल से सप्लाई होता है, जो कि सबसे ज्यादा है। यहाँ पर कई सारी रहस्यमयी जानवरों की प्रजाति पाई जाती है, पर आज हम 7 ऐसे जानवरों के बारे में जानने वाले हैं जो अमेजोन जंगल के सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर माने जाते हैं। आज की वीडियो काफी ज्यादा रहस्यमयी होने वाली है, इसलिए आज की वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। दोस्तों, हमें किसी भी जानवर को छोटा समझने की गलती कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटा सा भी छोटा जानवर हमें इतना ज्यादा दर्द दे सकता है कि मानो किसी ने गोली मार दी हो। ऐसी एक चींटी अमेज़न के जंगलों में पाई जाती है, जिसे बुलेट चींटी भी कहा जाता है। और इन्हें बुलेट चींटी इसलिए कहा जाता है कि जब ये चींटियां किसी को काट लेती है तब गोली लगने जैसा दर्द होता है। भले ही दिखने में ये चींटी छोटी दिखती हो, पर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि किसी को भी उसकी नानी याद दिला सकती है। यह चींटियां जिस जगह पर अपना घर बनाती है वहां पर बेहद ही खतरनाक बदबू आती है। वैसे तो अमेज़न के नदियों में कई सारी खतरनाक मछलियों की प्रजाति पाई जाती है, पर उसमें एक मछली की प्रजाति ऐसी भी पाई जाती है जो किसी भी जानवर को एक मिनट में खत्म कर सकती है, और उसका नाम है पिराना फिश। अमेज़न रिवर में पाई जाने वाली यह मछली काफी ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। वैसे तो यह मछली शांत स्वभाव की होती है, पर जब ये गुस्से में होती है तब किसी भी जानवर को मार के अपना शिकार बना सकती है, फिर चाहे इंसान हो या फिर कोई बड़ा जानवर। यह मछली 2 फीट से अधिक लंबी नहीं होती। पिराना मछली कभी भी आगे से हमला नहीं करती, पर इनको जब उस पानी के अंदर खून की खुशबू आती है तब ये मछली काफी ज्यादा आक्रामक हो जाती है। फिर ये अपने नुकीले दांतों से कुछ ही मिनटों में किसी भी जानवर को अपना शिकार बना सकती है। वैसे तो यह मछली झुंड में रहती है और एक साथ शिकार करती है, इसलिए इसे अमेज़न नदी का सबसे खतरनाक जीव भी माना जाता है। सांपों के बारे में बात करें तो बेशक ग्रीन एनाकोंडा की जगह कोई भी नहीं ले सकता। वैसे तो ये सांप 10 मीटर तक लंबे और 250 से लेकर 300 किलो तक इनका वेट हो सकता है। अमेज़न के जंगलों में पाई जाने वाला ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। यह सांप किसी भी जानवर को आसानी से मारकर अपना शिकार बना लेता है, पर इन सांपों को दिन के मुकाबले रात में शिकार करना काफी ज्यादा पसंद होता है। यह सांप मगरमच्छ जैसे जीव को भी अपना शिकार बना लेता है। इसके अलावा यह सांप जमीन के ऊपर शिकार करने के साथ पानी में भी बहुत तेजी से तैर सकता है। खाने पीने में परहेज करने वाला जैगवार अमेज़न की 87% प्रजातियों को खा जाता है। एक वर्षावन में रहने के कारण जैगवार को पानी में भी तैरना आता है, जिसके साथ यह जानवर पानी के अंदर भी शिकार करता है। यह स्वभाव से क्रूर और निर्दयी प्रकार के जानवर होते हैं, जो किसी भी जानवर का शिकार करते हैं और खाने में केवल मांस ही खाते हैं। वैसे तो ये जानवर दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होते हैं, पर जैसे जैसे इंसान जंगलों को काटकर जंगल नष्ट करते जा रहे हैं, वैसे वैसे जैगुआर भी धीरे धीरे विलुप्ति का शिकार बनते जा रहे हैं। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर से बताना। मध्य दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाला पॉइजन डार्ट फ्रॉग खूबसूरती के साथ काफी ज्यादा जहरीला होता है। अगर आप इस मेंढक को थोड़ा सा भी छू लेते हो तो आपकी जान भी जा सकती है। इन मेंढकों की 170 प्रजातियों की खोज की जा चुकी है। इन मेंढकों का रंग काफी ज्यादा चमकीला होता है। इसके अलावा इसके साइज की बात करें तो इसका साइज 1.5 से लेकर 2 इंच तक होता है। यह मेंढक अपने जीवन काल में जहरीले कीट
पतंगे खाकर अपना गुजारा करते हैं, इसलिए यह मेंढक काफी ज्यादा जहरीले होते हैं। अमेज़न के जंगलों में कई सारे रहस्यमय जीव पाए जाते हैं, पर इस जंगल में एक आदमखोर शिकारी भी मौजूद है जिसे ब्लैक कैमन के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो ये मगरमच्छ शांत स्वभाव के दिखते हैं, पर इनसे ज्यादा खतरनाक इस जंगल में दूसरा कोई जानवर नहीं पाया जाता। यह मगरमच्छ पानी में रहता है और पिराना जैसे मछलियों का शिकार करता है। यह हिरन और दूसरे बड़े जानवरों पर भी हमला कर देता है। ब्लैक कैमन नामक यह मगरमच्छ मिट्टी के रंग का होता है, इसलिए यह मिट्टी में छुपकर अपने शिकार का इंतजार करके शिकार करता है। कुल मिलाकर इसके शिकार करने की खूबियां इसे अमेज़न जंगल का तीसरा सबसे खतरनाक जानवर बनाती है। अमेज़न के सबसे खतरनाक जानवरों में एक मकड़ी भी शामिल है जिसको ब्राजीलियन वंडरिंग स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है। यह मकड़ी बड़े से भी बड़े जानवर को अपने पॉइजन से परेशान कर सकती है। हालांकि यह मकड़ी अपने हर बाइट में जहर नहीं फेंकती बल्कि अपने तीसरे बाइट में जहर छोड़ती है, पर अभी तक वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाया है कि यह मकड़ी ऐसा क्यों करती है। इसके पीछे का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है, पर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यह मकड़ी पहली बाइट में जहर छोड़ने की जगह बनाती है। लेकिन यह मकड़ी ऐसा क्यों करती है अभी तक किसी को नहीं पता, पर आप कभी अमेज़न जंगल में विजिट करते हो तो इस मकड़ी से दूर ही रहना, क्योंकि इस मकड़ी का जहर काफी ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए इसे अमेज़न जंगल का छठा सबसे खतरनाक प्राणी बताया जाता है। तो दोस्तों, ये थे अमेज़न जंगल के 7 सबसे खतरनाक जानवर। आपको इन जानवरों के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।